हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. दिस इज ओजस लाला. आज इस वीडियो में अपन IMU CET 2024 पे फोकस करते हुए बात करेंगे कैसे अपने को स्केड्यूल करना है, कैसे प्लान करना है, क्या चेंजेस करना है अपन को अपने स्केड्यूल में, जिससे अपन कंफर्टेबली IMU CET में एक बहुत अच्छा रैंक लाए, प्लस एक तगड़ी कंपनी की स्पॉन्सरशिप भी क्लियर करें. ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करो यार. सब्सक्राइब नहीं कर रहे तुम लोग, अभी 60-65% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे. सो डू सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड लेट्स गो. 1, 2, 3 फक इट. पहली चीज जिस पर अपन को फोकस अच्छे से करना है, दैट इज फोकस इटसेल्फ. आपका फोकस बहुत कम है. अपन बोलने के लिए 6-7 घंटे पढ़ते हैं, बट वी आर रियली नॉट स्टडीइंग फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम. अपने को पूरा स्केड्यूल अपना प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा. पहले तो यहाँ पे ऑगस्ट बैच के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके हैं. एक है ड्रॉपर्स, जो कि 2023 में पास हुए हैं या उससे पहले पास हुए हैं, और वो अब मर्चेंट नेवी के लिए एम कर रहे हैं. दूसरे वो बच्चे हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम के अपियरिंग है, जो 2024 के बच्चे हैं जो अपियरिंग है, जिनका रिजल्ट 2024 में आएगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उनको ही मेनली करना पड़ेगा. ठीक है, सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. अब टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, तो मैं आपको टोटल टाइम को एक प्रॉपर क्रक्स में समझाता हूँ. Right now January is about to start or it has already started. So we'll count the month of January. January, February, March, April, May. You have these 5 months to prepare for IMU CET. Okay. How much time do you have to prepare for sponsorship? आपकी sponsorship कब होती है, IMU CET कब होता है, मैं दोनों आपको बताता हूँ proper time frame के साथ. IMU CET आपका first week of June में हो जाएगा. तो यू हैव 5 months टू प्रिपेयर फॉर IMU CET. 5 months, इट सीम्स लाइक अ लॉट, बट इट इज रियली नॉट अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, बट अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो इन 5 महीनों में. स्पॉन्सरशिप पे आता हूँ, स्पॉन्सरशिप के लिए कितना टाइम बचा है. मार्च में ही मोस्टली सारी कंपनियों एंड कॉलेजेस के फॉर्म खुल जाएंगे, अप्रैल से आपके ऑनलाइन टेस्ट भी चालू हो जाएंगे. सो कंपेरेटिवली यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर स्पॉन्सरशिप्स. जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months. In total, you have 3 months to prepare for sponsorship. तो इन 3 महीने में आपको sponsorship, IMU CET and mainly आपके पास सिर्फ January है आपके boards का prepare करने के लिए. तो what would be the best advice from my side to you guys is, तीनों को साथ में लेते हुए चलो. Sponsorship को सिर्फ 1 घंटा दो. अब इस sponsorship में क्या आता है? Ship knowledge आता है, geography आता है. ये 2 चीजें आती है, ठीक है, जो कि IMU CET and उससे बहुत अलग है. ठीक है, 1 घंटा दो, भले 2 दिन में 1 घंटा दो, लेकिन प्रॉपरली दो. कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉन टेक भी देना पड़ेगा. नॉन टेक्निकल भी एक ऐसी चीज है जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है नॉन टेक कि आप 15 दिन में अच्छा कर सकते हो या 20 दिन में. यू नीड टू बी इन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस फ्रॉम 2-3 months, तब जाके आपका नॉन टेक्निकल का जितना भी प्रैक्टिस है उसका रिजल्ट आके बाहर निकलेगा. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नॉन टेक के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, लाइक हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर हॉबी. अब हॉबी में मैंने पूछ लिया क्रिकेट कैसी हॉबी है आपकी, कैसे कर सकते हो, तो वो चीज अलग हो जाती है. आपको हर चीज के नॉन टेक्निकल का बैक का आंसर का भी प्रिपेयर करना होता है. बट इस वीडियो में मैं मोस्टली सिर्फ IMU CET पर फोकस करते हुए आपको हेल्प करूंगा. सो यू हैव 5 months इन टोटल टू प्रिपेयर फॉर योर IMU CET. ठीक है, थर्ड इज नेवर गिव अप. गिव अप करना ही नहीं है. अपने को पता है अपना क्या सीन चल रहा है, 5 महीने बचे हैं, तो इन 5 महीने में कैसे हर चीज को लेते हुए चलने है. अपने को एटलीस्ट 2 hour दिन के देने ही देने हैं PCM की प्रिपरेशन पे एंड स्टैटिक GK की प्रिपरेशन पे, मेंटल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन पे. सब्जेक्ट सेग्रीगेशन ये रहा आपके सामने कि इतने मार्क्स का इतना सब्जेक्ट आएगा, इतने मार्क्स का इतना सब्जेक्ट आएगा. तो अब आपको सब्जेक्ट का सेग्रीगेशन दिख रहा है मार्क्स का. अब कैसे हर सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए चलना है. दिन के 2 घंटे आर एनफ, मोर देन एनफ. आपने PCM बोर्ड्स का प्रिपेयर कर लिया, 12th आपका हो गया, 11th का ही आपको सॉलिड आधा घंटा 1 घंटा रिवीजन रोज करना ही करना है, तभी जाके आपके सारे चैप्टर रोज एक तरीके से रिवाइज होंगे. स्केड्यूल अगर तुमने ऐसा बना दिया कि चलो आज 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री, होने से रहा. चैप्टर वाइज आपको करना पड़ेगा. और टाइम की वैल्यू मत रखो, मतलब ऐसा मत लिखो कि मेरे को 1 घंटे में ये चैप्टर करना ही करना है, उससे नहीं होगा.
इससे अच्छा ऐसा कुछ स्केड्यूल बनाओ कि 1 जनवरी को मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास वाला केमिस्ट्री का एक चैप्टर करूंगा, प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैथ्स का चैप्टर करूंगा। अब कितना भी टाइम लग जाए, however much time it takes, आपको वो कंप्लीट करना ही करना है। दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल, नॉट कि मेरे को तो मैथ्स 2 घंटे पढ़नी है, केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़नी है। बिकॉज आपका गोल होना चाहिए 2 घंटे में प्रॉपरली फिनिश, 2 महीने में प्रॉपरली फिनिश कर लो, ताकि आप रिविजन स्टार्ट कर सको, क्योंकि रिविजन के बिना देर इज नो सक्सेस। तो आपको वो भी चीज अपने साथ लेते हुए चलनी पड़ेगी। इफ यू वॉन्ट एन एक्सट्रीम प्रॉपर वीडियो स्केड्यूल के साथ हर दिन का अगले 3 महीने के लिए, कि हर अगले 3 महीने में एज अ ड्रॉपर एंड एज अ 12th का स्टूडेंट क्या स्केड्यूल अपना रखना चाहिए, कैसे प्रॉपर मेंटेन करके एक्सेल शीट में बनाना चाहिए, इफ यू वॉन्ट दैट वीडियो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, होप दिस वीडियो हेल्प यू ऑल्सो, सब्सक्राइब लाइक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर IABCET एंड स्पॉन्सरशिप्स, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके भरो 1-on-1 असिस्टेंस के लिए। एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, मैं वहां पर रोज डेली का कुछ अपडेट ला रहा हूँ, डेली उधर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। So for latest updates, subscribe and fill the Google form. Thank you so much and bye bye.